हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बीघा रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। सो आज मैं आपको अपडेट करने आ गया हूँ जो M3M स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 79 में जो इनका प्री लॉन्च आने वाला है अभी, जिसमें पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दो अपडेट हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस वीडियो में आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप उसको भी जो है सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको लॉन्च से पहले, आपको जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। प्लस कुछ प्राइसिंग चेंज हो रही है, शॉर्ट नोटिस पे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि गुड़गावा रियल एस्टेट से रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ है तो आपको मिले। सो अब हम बात करते हैं 79 के बारे में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है M3M एंड स्मार्ट वर्ड अपने लो राइज आने वाले हैं। इसमें अब एक चेंज है, M3M 79 के अंदर जो अपने लो राइज लेके आ रहा है, सेम जैसे आपका स्टिल्ट में आपकी पार्किंग होगी, बेसमेंट में आपका जैसे उन्होंने चार जो फ्लोर है उनको स्पेस मिलेगा, और जो आपका टेरेंस है उसमें भी चारों को स्पेस मिलेगा, तो वो आपका लो राइज M3M लाएगा। स्मार्ट वर्ड जो है वो अपने मिड राइज लेके आएगा, 8-12 फ्लोर ग्राउंड प्लस आपका 8 या 12 फ्लोर की हाइट रहेगी। तो एक आपका चेंज ये है। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, कनेक्टिविटी पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि SPR रोड जो है वहाँ से कनेक्टिविटी एक बन रही है काफ़ी बड़ी 60 मीटर की, और एक अभी जो फिलहाल जो हमारी अप्रोच रहेगी वो रहेगी NH8 से। जब हम रामपुरा चौक जाते हैं, रामपुरा चौक से आप सीधा लेके और वहाँ से अभी कनेक्टिविटी है। ऑल्दो कनेक्टिविटी अभी भी अच्छी है, बट आगे आने वाले टाइम में जो GMDA जो ये बना रहा है रोड काफ़ी वाइड कर रहा है 60 मीटर, तो एक तो हमारा SPR एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी होगी जहाँ पे इनके कॉर्नर वॉक ब्रॉडवे हैं, और MX का जो आपने देखा होगा जो कैंपस बन रहा है वहाँ से बिल्कुल सीधा आके लेफ्ट साइड में इनकी गैलरी भी बन रही है, और उससे सीधा आके शीखोपुर गांव से जो रोड बन रहा है वो एक कनेक्टिविटी होगी। और दूसरी कनेक्टिविटी हमारी NH8 से होगी। NH8 से देखा जाए तो दो कनेक्टिविटी हैं, सो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैं सिर्फ देखने आया था कि रोड का काम कैसे हो रहा है। आप देख सकते हो पीछे रोड का काम यहाँ पे भी चल रहा है, और इस साइड भी आप देखोगे तो रोड पे मैसिव लेवल पे काम चल रहा है, और आई होप जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये काम। तो ये कनेक्टिविटी के बारे में था। बाकी बिल्डर एज यू नो M3M 2012 में कंपनी बनी थी, 40+ प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, हाफ रेजिडेंशियल हाफ कमर्शियल। रेजिडेंशियल की बात करूँ तो गोल्फ एस्टेट, लैटिट्यूड, M3M कैपिटल भी हिट प्रोडक्ट रहा है। अब वो M3M 1111 सेक्टर के अंदर M3M कैपिटल के सामने भी आप अपना प्री लॉन्च लेके आए हैं। और अगर मैं बात करूँ कमर्शियल की तो कॉर्नर वॉक ब्रॉडवे, 65th Avenue, एट्रियम, कैपिटल वॉक करके भी वो अपना ला रहे हैं, SCOs भी ला चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। NCR का लीडिंग बिल्डर है। इन कंपैरिजन अगर मैं स्मार्ट वर्ड की बात करूं तो वो अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। एक तो है आपका स्मार्ट वर्ड जेम सेक्टर 89, वो भी काफ़ी हिट प्रोडक्ट रहा है और इन्वेस्टर ने पैसा कमाया उसके अंदर, और एंड यूज़ के लिए तो अच्छा निकलेगा ही। जब ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर, आई थिंक अगस्त से दिसंबर के बीच में उसका पोजेशन देंगे। दूसरा स्मार्ट वर्ड का प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड सेक्टर 61। उसमें भी अगर देखा जाए तो क्या लॉन्च हुआ था और आज की डेट में क्या प्राइसिंग है, उसमें भी इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है, और एंड यूज़ में वो भी आपको विद इन 2 ईयर आपको जो है डिलीवर होगा। तो ये था बिल्डर के बारे में। बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, M3M जो है विद इन 2 वीक्स लॉन्च कर देगा। 100 एकड़ का लैंड बैंक है। अब उसमें से कितना स्मार्ट वर्ड लेके आता है, कितना M3M, वो देखने वाली बात रहेगी। M3M का आपका लो राइज रहेगा, बेसमेंट, स्टिल्ट, 4 फ्लोर और टेरेंस, और जो आपका स्मार्ट वर्ड का रहेगा वो मिड राइज रहेगा। तो M3M में अभी क्या है कि EOI वो ले रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में लॉन्च होने वाला है, तो आप वो ऑप्शन वो देख सकते हो EOI का। इसके अलावा देखो EOI का क्या बेनिफिट होता है, EOI में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस आपको जो यूनिट की प्रेफरेंस मिल जाती है। लेना लेना जब प्राइस रिलीज होता है, जब लॉन्च होता है, तब आप पे डिपेंड करता है इसका। तो अगर आप दूसरा एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइजिंग है वो प्राइजिंग कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 7 से 8 के बीच में रहेगी, वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 महीनों में जो डेवलपमेंट हुई है,
जैसे आपने देखा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि कैसे प्राइसिंग इंक्रीज हुई है, एवरेज प्राइसिंग आप देखा जाए तो 10,000-11,000 प्लस आपकी एवरेज प्राइसिंग घूम रही है वहाँ पे, और अभी इवन वाइट लैंड ने भी 10,000 पे यहाँ पे सेक्टर 76 में लॉन्च किए हैं। तो उन सब डेवलपमेंट को देखते हुए और जो लैंड की कॉस्ट भी बढ़ी है, आई डाउट अब ये 7-8 के बीच में लेके आएंगे। जो प्राइसिंग, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, जो प्राइसिंग लग रही है वो आपको अब मोर देन 9,000 या 8,500 प्लस ही मिलेगा, उससे कम तो आई डाउट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक मेजर चेंज है। एक चेंज जो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट वर्ड लो राइज की जगह अपने मिड राइज लेके आएगा, और प्राइसिंग जो पहले 7-8,000 लग रही थी वो अब कहीं ना कहीं 8,500 8,500 के बीच में मुझे प्राइसिंग लग रही है। बाकी 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा तो सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि कैसे रोड का काम चल रहा है, क्योंकि मेन लोगों का इशू ये था कि कनेक्टिविटी वाला जो रोड वाला इशू काफी लोगों का था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मैं रोड के ऊपर ही हूँ, ये जहाँ पे मैंने अभी वीडियो शूट किया था। तो मैं अभी ये इस तरफ जा रहा हूँ आपके SPR रोड साइड, ये सामने आपके रहेजा रेवांते रहेजा का प्रोडक्ट बन रहा है। ये सीधा आप देखोगे तो ये सीधा जो है आपका SPR रोड जाएगा, जहाँ पे आपका ये कॉर्नर वॉक ब्रॉडवे और MXA कैंपस आ रहा है, और DLF कॉर्पोरेट ग्रीन भी आपकी बिल्डिंग है। तो ये सीधा रोड आप देखोगे, काम इस पे चल रहा है आगे। ये आपका सीधा 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो है SPR आ जाएगा। आप सामने देख भी पा रहे होगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो आपको DLF कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग भी दिखेगी वो सामने। तो ये सीधा आपका SPR एक्सटेंशन रोड हो गया। अब हम चलते हैं NH8 वाली साइड। ये NH8 वाली साइड जो है क्या काम अभी चल रहा है, तो ये अब हम आगे NH8। सामने आप देख पा रहे होंगे ये इधर सुपर टेक बसेरा, और उसके साथ जो है गोदरेज आ रहा है, गोदरेज 101 मैप्स को माउंट विले प्रोजेक्ट हो गया आपका। देखिए सामने इस पे काम चल रहा है रोड के ऊपर, आई थिंक विद इन 3-4 मंथ एक शेप में आ जाएगा ये काम। देखिए काफी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रोड को विडन कम करने का काम चल रहा है। ये सामने आपके जो रेजिडेंशियल टावर है ये आपके एक तरह से NH8 के ऊपर आ जाते हैं सारे। देखिए ये सीधा रोड, ये सीधा टी पॉइंट बनेगा, और टी पॉइंट से लेफ्ट लेके आपका जो है आप NH8 पे जा सकते हो। राइट से भी आपकी शिखापुर गांव से NH8 जा सकते हो आप। तो दो तरफ से NH8 से कनेक्टिविटी होगी इस प्रोजेक्ट की, और एक SPR रोड से। सो ये था रोड के ऊपर। अब ये देखिए, ये इनकी जो है सेल्स गैलरी है,
M3M की, जो कि SPR रोड के ऊपर आ जाती है, यहीं पर ही जो है आगे डील होगी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो इस पे भी सेल्स गैलरी पे भी काफ़ी काम चल रहा है। ये था हमारा आज का वीडियो, अपडेट था M3M79 एंड स्मार्ट वर्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर। सो EOI प्रोसेस इज ऑन, आप जो है EOI दे के और आप यहाँ पे जो है अपना एक तरह से रुमाल रख सकते हैं। बाकी जब लॉन्चिंग होगा तब आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या प्राइसिंग है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या EOI प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हो या कुछ भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन कॉल मी बिलो नंबर। सो दिस वॉज अबाउट दिस M3M79 एंड स्मार्ट वर्ड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।